बेंटन ओमनिवर्स, जिस शो को काफी ज्यादा हेट मिला था क्योंकि बेंटन की बेंटन क्लासिक से लेके बेंटन अल्टीमेट एलियंस तक जो हमें सीरीज देखने को मिली थी, उन तीनों सीरीज को बेंटन के फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था। लेकिन बेंटन ओमनिवर्स जब हमें टीवी पे देखने को मिला, उसके बाद से ही बेंटन ओमनिवर्स को काफी ज्यादा हेट मिलने लगा था और जो बेंटन के फैंस थे वो बेंटन ओमनिवर्स को अभी भी काफी ज्यादा हेट करते हैं। लेकिन गाइज, आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों बेंटन ओमनिवर्स बेंटन की बाकी सीरीज के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था और बेंटन ओमनिवर्स बेंटन की अब तक की सारी सीरीज में सबसे बेस्ट शो क्यों है। इस टॉपिक को पूरी तरह से आज की हमारी इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हो कि बेंटन ओमनिवर्स इतना ज्यादा बेस्ट क्यों है, तो बस इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो बात करते वीडियो के लाइक एम के बारे में, जो कि 500 लाइक एंड 50 कमेंट। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्मॉल से टारगेट को इजीली कंप्लीट करा दोगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को। तो आखिर बेंटन ओमनिवर्स इतना बेस्ट शो क्यों है, इस चीज को मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स में बताऊंगा। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है परफेक्ट ओमनिट्रिक्स। तो आप लोगों को ये बात पता है कि बेंटन की अब तक की जितनी भी वॉचेस हमें देखने को मिली है, बेंटन क्लासिक, बेंटन एलियन फोर्स या बेंटन अल्टीमेट एलियन में, इन सारी वॉचेस में से बेंटन ओमनिवर्स में जो हमें वॉच देखने को मिली, जिस वॉच को आप लोग न्यू ओमनिट्रिक्स के नाम से जानते हो, ये इकलौती ऐसी ओमनिट्रिक्स थी जो कि अब तक की सबसे परफेक्ट ओमनिट्रिक्स थी, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फॉल्ट नहीं था और बेन जो है इजिली सेफली इसे यूज कर सकता था। और ये वाली एक ऐसी वॉच है जिसने की बेन की जान को भी बचाया था, वो भी बिग बैंग से, जो की काफी पावरफुल था। बाकी अगर आप लोग किसी भी ओमनिट्रिक्स को उठा के देखो तो न्यू ओमनिट्रिक्स के मुकाबले उनमें कोई ना कोई फॉल्ट मिल ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे न्यू ओमनिट्रिक्स में कोई भी फॉल्ट नहीं था, बल्कि ये बेन के लिए अब तक की सबसे सेफ वॉच थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पावरफुल एलियंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बेंटन क्लासिक, बेंटन एलियन फोर्स, बेंटन अल्टीमेट एलियन, इन सारी सीरीज में हमें काफी पावरफुल एलियंस देखने को मिले थे और बेंटन एलियन फोर्स में तो हमें एलियन एक्स को ही इंट्रोड्यूस करा दिया गया था। लेकिन बेंटन ओमनिवर्स बेंटन के पावरफुल एलियंस के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे हमें फीडबैक भी इंट्रोड्यूस कराया गया था, जो कि बेंटन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि फीडबैक वो एलियन है जिसने कि बेन को बिग बैंग से बचाया था। बाकी कोई भी एलियन ऐसा नहीं था जो कि उसे एब्जॉर्ब कर पाता। हालांकि एलियन एक्स भी उसे रोक सकता था, लेकिन बेन को पहले परमिशन लेनी पड़ती, बेन जो बिग बैंग को रोक पाता, लेकिन फीडबैक ने ये इजिली कर दिया था और फीडबैक को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। और इसी शो में हमें एटॉमिक्स भी इंट्रोड्यूस कराया गया, जो कि बेंटन का अब तक का सेकंड सबसे पावरफुल एलियन माना जाता है। और इतना ही नहीं गाइस, इस शो में हमें वैम्पायर भी इंट्रोड्यूस कराया गया, जो कि किसी को भी कंट्रोल कर सकता, उसके पास वैम्पायर वाली पावर्स थी और काफी पावरफुल एलियन था। तो ये शो बेंटन के न्यू एलियंस के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। यहाँ पे हमें फीडबैक और एटॉमिक्स जैसे पावरफुल एलियंस को इंट्रोड्यूस कराया गया। हमारा थर्ड पॉइंट है न्यू पावरफुल विलन्स। अब यहाँ पे हमें बेंटन ओमनिवर्स में काफी पावरफुल विलन्स देखने को मिले, जिनमें से मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा मैलवेयर का। मैलवेयर की पूरी एक अलग ही स्टोरी लाइन हमें देखने को मिली, जहाँ पे मैलवेयर ने बेन के काफी पावरफुल एलियन फीडबैक को इजिली मार दिया था, और ये चीज हमें शो में एक्सप्लेन भी की गई थी। उसके बाद हमें खाइबर इंट्रोड्यूस कराया गया और डॉक्टर साइकोबोस भी देखने को मिला, और खाइबर ने बेन के लिए ऐसे प्रीडेटर्स के डीएनए को कलेक्ट किया जो कि बेन के एलियंस को इजिली हरा सकते थे, जिससे कि बेन जो है उन के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। इन विलन्स के अलावा हमें मेल्टोरेंट भी देखने को मिला, जिसके सामने बेन काफी बार हार चुका था, जो कि एक क्रोनोस सेपियन था जिसने कि क्वांटोमेलिया तक बेन को पहुंचा दिया था। तो बेंटन के न्यू पावरफुल विलन्स के लिए बेंटन ओमनिवर्स शो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, जो कि हमें शो में एक्सप्लेन भी कर दिया गया। हमारा अगला पॉइंट है मल्टीवर्स। मल्टीवर्स बेंटन क्लासिक, बेंटन एलियन फोर्स और बेंटन अल्टीमेट एलियन, इन तीनों सीरीज में बिल्कुल भी हमें एक्सप्लोर होते हुए नहीं दिखाया गया। हालांकि बेंटन अल्टीमेट एलियन में हमें एक अलग टाइमलाइन का अल्टीमेट बैन देखने को मिला था, जिसकी वॉच में 10,000 एलियंस के डीएनए अनलॉक थे, लेकिन उसके अलावा ज्यादा कुछ यहाँ पे हमें एक्सप्लोर होते हुए नहीं दिखाया गया। लेकिन बेंटन ओमनिवर्स एक ऐसे शो था जहाँ पे हमें काफी सारे बैंस को इंट्रोड्यूस कराया गया, मल्टीवर्स के बारे में बताया गया और बताया गया कि हर एक यूनिवर्स में एक ऐसा बैन एग्जिस्ट करता है जिसके पास वॉच है। इसके अलावा एक यूनिवर्स तो ऐसा दिखाया गया जहाँ पे बैन के पास कोई भी वॉच नहीं है। आप लोगों ने नो वॉच बैन का नाम तो सुना ही होगा। तो मल्टीवर्स के
लिए बेंटन ओमनिवर्स काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। हमें यहाँ पे पूरी तरह से मल्टीवर्स को इंट्रोड्यूस करा दिया गया था। हर एक टाइमलाइन से अलग अलग बैंस निकल के आए थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वाई ओमनिट्रिक्स। वाई ओमनिट्रिक्स एक ऐसी वॉच थी जिसे की एजमथ ने क्रिएट नहीं किया था, इसे फ्यूचर वाले बैन ने क्रिएट किया था, वो भी अपने सबसे इंटेलिजेंट एलियंस का यूज करके। और ये वॉच एक इकलौती ऐसी वॉच थी जो कि दो एलियन के फ्यूजन को क्रिएट कर सकती थी, और इसकी वजह से बेंटन 1000 जो है एलियन एक्स की आधी पावर का यूज कर सकता था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रूल्स ऑफ सेलेस्टियल सेपियंस। बेंटन ओमनिवर्स इकलौता ऐसा शो था जहाँ पे हमें सेलेस्टियल सेपियंस के काफी सारे रूल्स देखने को मिले, और हमें पता लगा कि सेलेस्टियल सेपियन बेंटन के यूनिवर्स को बदलते रहते हैं, जहाँ पे हमें बेंटन की सीरीज में 3 अलग अलग एजमथ भी देखने को मिल चुके थे। और इसी थ्योरी की वजह से हमें ये चीज एक्सप्लेन की गई कि बेंटन ओमनिवर्स का जो आर्ट स्टाइल है वो क्यों चेंज हो गया, क्योंकि सेलेस्टियल सेपियन जो है बार बार डिजाइन को चेंज करते रहते हैं। और ये थ्योरी काफी ज्यादा ऑसम थी, जहाँ पे हमें क्लियरली ये चीज बता दी गई कि सेलेस्टियल सेपियन वो रीजन था जिसकी वजह से बेंटन अल्टीमेट एलियंस के बाद बेंटन ओमनिवर्स का आर्ट स्टाइल हमें अलग देखने को मिला। तो सेलेस्टियल सेपियंस को एक्सपोज करने के लिए बेंटन ओमनिवर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आप लोग इस बात से एग्री करते हो या नहीं कॉमेंट करके मुझे बताना। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनके बेसिस पे हम ये बात बोल सकते हैं कि बेंटन ओमनिवर्स बेंटन की अब तक की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट शो था, क्योंकि यहाँ पे हमें काफी अलग स्टोरी लाइन देखने को मिली, काफी पावरफुल न्यू एलियंस और काफी पावरफुल न्यू विलन्स भी देखने को मिले थे। आप लोग इस बात से एग्री करते हो या नहीं कॉमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि मुझे तो बेंटन ओमनिवर्स बेंटन की हिस्ट्री का अब तक का सबसे बेस्ट शो लगता है। बस इसके आर्ट स्टाइल को अलग रख दें तो यहाँ पे बेंटन ओमनिवर्स में कोई भी खराबी नहीं है। तो गाइस आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पहले अपलोड की गई सारी वीडियोस देख लेना, वो काफी ज्यादा ऑसम है, एक बार चेकआउट जरूर करना।